एक्चुअली फौज का नौकरी ना नौकरी नहीं साहब, एक जिम्मेवारी होता है देश का हिफाजत करने का और इसको सलामत रखने का। ये वर्दी यूं ही नहीं मिलती है साहब, इसे पाने के लिए तमाम खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है और रोगों में जज्बातों को पिघलाकर लोहे भरने पड़ते हैं, तब जाके कहीं होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन उस रिटेन एग्ज़ाम का जिसे पास करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ता है, कभी मैथ्स तो कभी रीजनिंग के सवालों में खुद को उलझाए रखने पड़ते हैं। सिलेक्शन उस फिजिकल एग्ज़ाम का जिसे पास करने के लिए हमें सुबह 4 बजते ही सड़क पर दौड़ने पड़ते हैं, जब पूरा शहर अपनी मीठी नींद की आगोश में ठंडी आहें भर रहा होता है। इस दौड़ में सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फासला सिर्फ 1 सेकंड का होता है मेरे दोस्त, अगर रस्सी गिरने से पहले पहुंचे तो सिलेक्ट वरना रिजेक्ट। यहाँ तो पबजी जैसा कोई रिव्यू का भी ऑप्शन नहीं होता है, बस सेकंड भर की चूक और फटाक से हेडशॉट। लाइफ के एक एक पल और एक एक सेकंड की अहमियत इस रैली में आकर पता चलता है। पैर लड़खड़ाने लगते हैं पर हिम्मत जुटाए रखने पड़ते हैं। जिंदगी और जिंदगानी के बीच के इस फासले को 5 मिनट 45 सेकंड में तय करने के लिए इंसान को इंसान नहीं घोड़े के रेस लगाने पड़ते हैं। पूरी जिंदगी दौड़ जानी पड़ती है उस अंतिम राउंड में, तब जाके आता है नाम कहीं मेरिट लिस्ट के उस पन्नों में जो कभी मेरे ख्वाहिश और मेरे घर वालों के सपनों का हिस्सा हुआ करता था। दिल में परिवार का प्यार और हाथ में ज्वाइनिंग लेटर और माई बाबूजी का आशीर्वाद लिए निकल पड़े थे हम अपनी मंजिल की ओर, अपनी सरहद की ओर, जहाँ जाने का तो पता था पर आने का नहीं। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क ना हो। हम फौजियों के जिसमें खून नहीं देशभक्ति की धारा बहती है साहब, तभी शायद क्रिकेट खेलने की उम्र में कंधे पर देश की जिम्मेवारी और हाथ में बैट की जगह इंसास लिए सरहद पर तैनात रहते हैं और दुश्मनों से आंख मिलाकर मुंहतोड़ जवाब देते हैं। हाथ में 5 किलो का बंदूक और पीठ पर भरा 15 किलो का बैग लिए कभी हम राजस्थान के उस जैसलमेर बॉर्डर पर जलते हैं ताकि कोई आतंकी बम बारूद से हमला कर देश को जला ना पाए, तो कभी सियाचिन के उस बर्फीले फिजाओं में गलते रहते हैं ताकि कोई घुसपैठ ही देश के खिलाफ साजिश न रच पाए। हम फौजी लोग हैं साहब, जान हथेली पर लिए घूमते हैं, या तो मार देते हैं या तो मर जाते हैं, पर कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चीन से सटे डोकलाम का, हम हर वक्त सीना तान कर खड़े रहते हैं एक सजग पहरेदार की तरह। आदमी फौज में आकर कब इतना मैच्योर हो गया इसका एहसास जरा सा भी नहीं हुआ। डे बाई डे रिस्पॉन्सिबल होते गए और भूलते गए अपने दोस्तों को, अपने उन रिश्तेदारों को। कभी होली में घर आते तो दिवाली यहीं मनाते हैं, तो कभी दिवाली में घर जाते तो होली यहीं मनाते हैं, यही शेड्यूल चलता रहता है हम फौजियों के लाइफ में। छुट्टी ना मिलने का मलाल तो बहुत है साहब, पर क्या करें फौजी हैं एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए ना, इस बार जब आपकी बहन आपके कलाई पर राखी बांध रही होगी तब हम किसी दूर चट्टान या रेगिस्तान में अपनी उस बहन को याद कर रहे होते हैं जिससे कभी हमने ये वादा किया था कि नौकरी लगने के बाद राखी के गिफ्ट के रूप में अपने महीने की पूरी सैलरी तुम्हारे मुट्ठी में रख देंगे, पर अफसोस आज उसकी राखी पिछले 3 साल से मेरे कलाई का इंतजार कर रही है। क्या कहें, कलेजा फटने लगता है साहब, बहुत मिस करते हैं उसको। और आखिरकार सर जमे के इस मिट्टी को माँ का आशीर्वाद और पिता के पांव के धूल समझ के माथे पर सजा लेते हैं और अपने कलाइयों पर राखी की जगह फर्ज का सहरा बांध के फिर से डट के खड़े हो जाते हैं। इन्हीं हवाओं में, इन्हीं पिजाओं में, इन्हीं तूफानी वादियों में, ताकि किसी मासूम किलकारियों को किसी की नज़र न लग जाए, ताकि किसी नन्हे हाथ की उंगलियों की पेंसिल एक धारदार कलम बन सके, ताकि किसी बहन की सिंदूर भरी मांग हमारे खून से ज़्यादा लाल रहे, ताकि साजिशों से उठती गर्म हवाएं आपकी कलाइयों की चमक को धुंधली न कर जाए,
ताकि अपना तिरंगा लाल किले पर यूं शान से इठलाता रहे, लहराता रहे और अपने देश को आगे बढ़ाता रहे। जय हिंद, जय भारत। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। हाँ तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो देश के उन वीर जवानों के लिए समर्पित है जो हमारे और हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिन रात सीमा पर तैनात है। हम उनको तहे दिल से सैल्यूट करते हैं और साथ ही साथ उन वीर जवानों को भी याद करते हैं जो हमारे और हमारे देश की सुरक्षा करते करते शहीद हो गए।